नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुबह की ताजा हेडलाइंस के साथ। जिले में एक बार फिर गहराता कोरोना का खतरा, एक साथ 61 नए संक्रमित मामले आए सामने। लोग कोरोना वैक्सीन के प्रति हो रहे जागरूक, अब तक 50,000 लोगों को लग चुकी कोरोना वैक्सीन। जिले में लगातार बढ़ती चोरी व ठगी की वारदातें। खटीक बस्ती की एक महिला के खाते से दो ठगों ने निकाले 71,000 रुपए। फर्जी चेक दिखाकर ठगों ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की गहनता से जांच की शुरू। कच्चा कैंप स्थित हरिनगर में एक मकान से तीन चोर, ताला तोड़कर लाखों रुपए की कीमत के गहने और 50,000 की नकदी लेकर हुए फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर गहनता से जांच की शुरू। जीटी रोड स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में घुसकर आरोपी ने 9वीं कक्षा की छात्रा से की छेड़छाड़। थाना शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए तेज। प्रॉपर्टी टैक्स में छूट के अंतिम दिन 31 मार्च को निगम कोर्स में 46,98,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स हुआ जमा। रेलवे रोड के सामने ऑटो सवार दो बदमाशों ने बस स्टैंड की ओर जा रहे एक युवक से छीना उसका बैग। अब तक के इस ताजा अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।